अमरीला थाना क्षेत्र में बजावा गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति की काफी निर्मम तरीके से किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उसे टीम का गठन किया जिसमें करीब 35 लोग थे। ये 35 लोगों को अलग अलग टीमों में डिवाइड किया, सबका अपना अपना काम दिया गया और पिछले 5 दिनों से ये अथक प्रयास कर रहे थे। करीब 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की इन्होंने, 160 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगाले गए। साथ ही साथ जो तकनीकी जो विश्लेषण करते हैं, चाहे वो CDR हो, BDS हो, टावर डंप एनालिसिस हो, वो सारा चीज़ कर रहे थे। और इन सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हमने 2 जो मुख्य आरोपी हैं इस घटनाक्रम में, उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनके नाम नवीन और अर्पित हैं। ये आरोपी के परिवार के ही सदस्य हैं और जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज़ सामने आई है उसमें 2 मुख्य कारण आए हैं। जो मोटिव, इस मर्डर का मोटिव अगर हम समझने का प्रयास करें, पहला मुख्य कारण है कि जो मृतक है उसके पिताजी और बाकी उनके 10 भाई थे, तो इनके ज़मीन के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ वर्षों पहले ज़मीन का बंटवारा हुआ था और ये जो आरोपी का परिवार है इनको लगा था कि भाई इनके साथ न्याय नहीं हुआ है और इनको जिस तरीके से बंटवारा में ज़मीन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो वो एक इनके मन में पहले से बात थी कि भाई हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। और खासकर इस मृतक में जब वो ज़मीन का विभाजन हो रहा था, प्रॉपर्टी का विभाजन हो रहा था, तो आरोपी पक्ष को सपोर्ट नहीं किया था, दूसरे पक्ष को सपोर्ट किया था, तो इसीलिए इनके मन में मृतक के प्रति एक गुस्सा था। इसके अलावा एक और चीज़ जो सामने आई है प्रारंभिक पूछताछ में, जो मुख्य आरोपी है वो मृतक के घर पर रहता था और उनके काम में हाथ बटाता था। मृतक का जो बेटा है उसकी दुकान थी, उसमें भी ये काम करता था, बीच बीच में हाथ बटाता था। मगर जब वो रहता था तो मृतक और उसके बेटे और उनके परिवार के द्वारा इसके प्रति व्यवहार सही नहीं था। बहुत बार इसे धुतकार दिया जाता था या इसकी बेइज्जती करते थे, इसे नीचा दिखाया जाता था, जिसकी वजह से इसके मन में एक अंदर से काफ़ी नफरत पैदा हो गई मृतक और उसके परिवार के प्रति। तो ये काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था कि एक तो जो ज़मीन संबंधित जो विवाद था और जो प्रॉपर्टी का विभाजन था उसमें भी हमारे साथ अन्याय हुआ, उसमें भी मृतक ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, और साथ ही साथ मृतक और उनकी वाइफ और जो उनका बेटा है उनका बर्ताव भी मेरे प्रति अच्छा नहीं था। तो ये दोनों मोटिव को ध्यान में रखते हुए काफ़ी दिनों से ये प्लानिंग कर रहा था कि एक तो मृतक और उनके पत्नी को मारना है, साथ ही साथ इसका इरादा उसके बेटे को भी मारने का था। और उस दिन भी इसने कुछ देर इंतज़ार किया था कि बेटा अगर घर से निकलेगा तो उस पर भी इसका वार करने का प्लान था। प्लानिंग कुछ महीनों से कर रहा था पर फाइनली अभी 30 तारीख की रात को ये अपने एक सहयोगी के साथ यहाँ आया और इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार कैसे किया गया? गिरफ्तारी गुड़गांव से किया है। ये पिछले 1.5 साल से गुड़गांव में ही डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा था और ये घटना कारित करने के बाद वापस गुड़गांव चला गया। पुलिस ने क्या क्या सामान जब्त किया इस प्रकरण में? इसमें अभी फिलहाल हमने एक बाइक जब्त की है जो कि मृतक के पुत्र का था और ये घटना करने के बाद हमारे साथ गुड़गांव ले गया था, छिपाया हुआ था कहीं। साथ ही साथ अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो हथियार का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में खुलासा हो गया है, अभी जब्ती हम करेंगे।